आज एनसीईआरटी और यूनेस्को की दोनों की प्रयासों से एनईपी और एसडीजी में जो लक्ष्य सब रखे गए हैं, बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अनुभव देना, स्टोरी, सॉन्ग, टॉयज, ये सब पेडागोजी के नया उपक्रम बन रहा है, उसी सीरीज में ये स्टोरी बुक, कॉमिक बुक चलो आगे बढ़े एक पहल है। उन्होंने तय किया इस सीरीज की प्रारंभ में बच्चों की स्वास्थ्य जागरूकता बढ़े, हेल्थ के बारे में, पर्यावरण के बारे में उनकी जागरूकता बढ़े, इसलिए ये कॉमिक बुक की रचना किया गया है। विशेष करके बच्चों की उम्र जब बढ़ती है, जब वो एडोलेसेंट होते हैं, किशोर होते हैं, उस समय में उनकी बहुत सारे जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। वो जिज्ञासा स्वास्थ्य संबंधित होती है, अपना गले का आवाज क्यों बढ़ा, बदला क्यों, ये सारा विषय आता है। उसी संबंध में एक रोचक तरीके से ये किताब को बनाया गया है। इस बार बजट में भी डिजिटल लाइब्रेरी की कल्पना किया गया, उसी में से भी कॉमिक और स्टोरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बने, ये भी एक प्रायोरिटी का विषय है। अभी देश की वैज्ञानिक उपलब्धि चंद्रयान को भी स्टोरी में लाया जाएगा। भारत की जो उपलब्धि है इन दिनों में, G20 की प्रेसिडेंसी, कोविड की सफल प्रबंधन, पर्यावरण के बारे में भारत में पंचामृत की जो प्रयोग, मिशन लाइफ की जो प्रयोग, ये सारा को एक स्टोरी लाइन के माध्यम से, कॉमिक बुक के माध्यम से लाया जाएगा, इसकी एक प्रयास है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की और एक बहुत बड़ा कदम है। नया किताब बन रहा है 7वीं क्लास की, तो एक किताब है ही अभी, लेकिन एनसीईआरटी ने एनसीएफ की रिकमेंडेशन के आधार पे अगले शिक्षा वर्ष से आगे नए किताब आ जाए उसकी प्रयास कर रहा है। आपने लेकिन विषय सही उठाया, भारत की आजादी का 75 साल हो गया, भारत आज विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, भारत आज दुनिया की सबसे नौजवानों का देश है, भारत ने अपने कोविड मैनेजमेंट कैसे किया, भारत अभी G20 प्रेसिडेंसी की दायित्व में है, भारत आज चंद्रयान किया, भारत आज डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आज आप वैक्सीन लेते हो, कोविन की ये सारे को नया पीढ़ी तक ले आने का, नई पीढ़ी को वैज्ञानिक, चिंताशील, तर्कसहित और अनुसंधानी बनाना, थिंकिंग, उनका लॉजिकल माइंडसेट बने और रिसर्च ओरिएंटेशन उनकी बढ़े, इसके लिए ये सब पाठ्यक्रम की प्रायोरिटी है।